इस वक्त हम मौजूद है साउथ दिल्ली की उस जगह पर जहां से कल इस लोकसभा क्षेत्र के सांसद का नाम तय होना है। दरअसल ये जीजाबाई इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फॉर वुमेन है और इसको साउथ दिल्ली लोकसभा क्षेत्र का काउंटिंग सेंटर बनाया गया है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो काउंटिंग से पहले सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। ठीक एंट्री गेट के बाहर एक पीसीआर वैन तैनात की गई है पुलिस की और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पुलिस के जवान यहाँ पर तैनात हैं। साथ में अगर अंदर की तस्वीरें आपको दिखाएं तो यहाँ पर अंदर भी सुरक्षा के पूरे पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। यहाँ पर मेटल डिटेक्टर लगाया गया है और बाकायदा उसी शख्स को यहाँ पर एंट्री दी जा रही है जिसके पास यहाँ पर प्रवेश करने का मान्य पास मौजूद है। जिस शख्स को एंट्री लेनी है उसको पहले इस पूरे के पूरे सुरक्षा चरण से होकर गुजरना होगा, उसके बाद ही उसको एंट्री दी जाएगी। साथ में जो गाड़ियां इस काउंटिंग सेंटर के अंदर जा रही हैं उनकी भी पूरी तरीके से तलाशी ली जा रही है और उनके भी तमाम दस्तावेज और उनकी पूरी तलाशी के बाद ही उनको अंदर जाने दिया जा रहा है। साथ में आप देख सकते हैं कि काउंटिंग शुरू होने से पहले किस तरीके की तैयारियां हैं और तैयारी को किस तरीके से पूरा किया जाना है उसके लिए भी लगातार यहां पर अधिकारियों का आना जाना जारी है, जो यहां पर जो तैयारियां हैं उसका जायजा ले रहे हैं। मेरे साथ राघव चड्ढा है बातचीत करने के लिए। राघव, यहां से तीन बड़े लोगों की किस्मत अभी कैद है इस ईवीएम में, एक उनमें से आप भी हैं। क्या आपकी तरफ से इंतजाम किए गए हैं कल के काउंटिंग सेंटर को लेकर, क्योंकि आप भी उस राजनीतिक दल में शामिल है जो ईवीएम पर सवाल खड़े कर रहे हैं? देखिए, आम आदमी पार्टी को दक्षिणी दिल्ली की जनता ने 12 मई 2019 को जिता दिया था। अब नतीजा आना है कल। हमारा बस इतना ही एक आशंका है, कंसर्न है, फिकर है कि मशीनों से छेड़छाड़ ना हो। इसी के चलते हमारे पास एक जानकारी आई थी कि 22 मई की रात यानी कि आज रात कुछ हमारे राजनीतिक विरोधी मशीनों को अदला बदली करने की कोशिश, स्ट्रांग रूम को खोलने की कोशिश, मशीनों से छेड़छाड़ करने की कोशिश अवश्य कर सकते हैं। उसकी जानकारी हमने चुनाव आयोग को दी है, चुनाव आयोग ने उस पर संज्ञान भी लिया है। उस पर कुछ हमारी मांगे थी कि ज़्यादा सुरक्षाकर्मी बढ़ाए जाएँ, कुछ इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर्स को अंदर तैनात कराया जाए जिनका केवल काम मशीनों की सुरक्षा ही होगा। इस प्रकार के कई चीज़ें हमने मांगी थी। मुझे उम्मीद है कि चुनाव आयोग इन सारी मांगों को स्वीकारेगा। जहाँ तक मशीन की सुरक्षा की बात है, पूरे देश में आप देख रहे हैं क्या हो रहा है। देश के हर कोने में, कहीं ट्रक में, कहीं गाड़ी में, कहीं वाहन में, कहीं लोगों के हाथों में ईवीएम मशीन घूमती हुई पाई जा रही है मतगणना केंद्रों के बाहर। बड़ा एक डर का माहौल बन गया है कि कहीं भारतीय जनता पार्टी मशीनों से छेड़छाड़ कर देश का जनादेश चोरी करने की कोशिश तो नहीं कर रही है। हम भी उसी की रक्षा करने में लगे और इतना विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि दिल्ली में भाजपा को हम मशीनों से छेड़छाड़ नहीं करने देंगे। हमने अपने कार्यकर्ताओं की फौज भी अंदर बिठाई है, मैं खुद यहाँ मौजूद हूँ। जो भी आ रहा है, जो भी अंदर जा रहा है उस पर अपनी नज़रें बनाए हुआ हूँ। जो भी वाहन अंदर जा रहा है, अंदर सीसीटीवी कैमरा की पूरी मॉनिटरिंग चल रही है। तो हर प्रकार के पुख्ता इंतजाम आम आदमी पार्टी ने यहाँ किए हैं। कब से आप लोग यहाँ पर निगरानी कर रहे हैं स्ट्रांग रूम्स की, और कितने लोग तैनात हैं, और क्या हमने तस्वीरें भी आ रही है कि बहुत सारे लोग दूरबीन और सीसीटीवी कैमरा का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या कुछ ऐसे संसाधनों का आप लोगों ने भी इस्तेमाल किया है? सीसीटीवी कैमरा, दूरबीन, वॉकी टॉकी सबका प्रयोग आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ कर रहे हैं। कई कार्यकर्ता बाहर तैनात हैं काउंटिंग सेंटर के बाहर। यहाँ की गतिविधियाँ कहीं मान लीजिए यहाँ से कोई ट्रक जा रहा हो जिसमें ईवीएम मशीनों को पकड़ना हो, उस प्रकार की चीज़ों पे अपनी नज़रें बनाए हुए हैं। और कुछ कार्यकर्ता अंदर हैं मतगणना केंद्र के, जो ऑथराइजेशन के तहत हमारे हस्ताक्षर के तहत उनको आईडी कार्ड इशू हुआ है बकायदा, जो अंदर बैठे हैं, जो अंदर की गतिविधियों पे और अंदर में जो सीसीटीवी कैमरा उसकी फीड को मॉनिटर कर रहे हैं। तो इस प्रकार से हमने अपने पूरी एक सुरक्षा घेरा आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का बनाया है। लेकिन ये बात भी समझना होगा कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता दिल्ली पुलिस या सीआरपीएफ के जवानों का काम नहीं कर सकते, वो तो वही करेंगे। हम लोग तो केवल चौकन्ना रहकर, प्रशासन जहाँ लापरवाही करेगा या बीजेपी जहाँ गड़बड़ी करेगी उसको प्रशासन तक पहुंचा सकते हैं, सुरक्षा कर्मियों तक वो बात पहुंचा सकते हैं, बस इतना ही कर सकते हैं। ठीक है, अभी तक कुछ संदिग्ध गतिविधि आपको नजर आई? देखिए, अभी तक जब जब भी कोई संदिग्ध गतिविधि नजर आई, कहीं मान लीजिए कोई मशीन कहीं पाई गई या किसी को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा या कोई ऐसा व्यक्ति घूम रहा है जिसपे हमें संदेह है या कोई ऐसा वाहन आया, जैसे कल रात को कोई वाहन आया बहुत बड़ा वाहन था जिसको अंदर ले गया, हमने उसकी कंप्लेंट करी और उसी समय जो यहाँ पर सुरक्षा कर्मी है उसका संज्ञान लेकर जांच करते हैं, जांच करने के बाद हमें जवाब देते हैं। तो हम लगातार जो
रोज़ाना की शिकायतें भी हैं वो भी प्रशासन को बता रहे हैं, ताकि प्रशासन भी उस पर अपनी नज़रें बनाए रखे। अभी जो मौजूदा यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था है, क्या उससे आम आदमी पार्टी संतुष्ट है? देखिए, संतुष्ट नहीं है, इसीलिए मैंने चिट्ठी लिखी और कहा कि मुझे इस बात का अंदेशा है कि आज रात को कुछ हमारे राजनीतिक विरोधी स्ट्रांग रूम खोलकर मशीनें बदलने का प्रयास कर सकते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि यहाँ पर ज़्यादा सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया जाए, CRPF के जवानों को तैनात किया जाए, और साथ ही साथ यहाँ पर चुनाव आयोग के एक इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर की नियुक्ति करी जाए, जो मुख्य चुनाव आयुक्त द्वारा करी जाए, दिल्ली के चुनाव आयुक्त द्वारा नहीं, जिसका सिर्फ काम CCTV और EVMs की जो मशीनें जहाँ पड़ी हैं उसकी निगरानी होगा। तो बिल्कुल, यहाँ पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ से चौकस नज़र रखी जा रही है EVM के स्ट्रोंग रूम पर, और साथ में कई सारे उनको ऐसे संसाधन दिए गए हैं जो इस निगरानी में उनकी मदद कर रहा है। बहरहाल यहाँ पर अभी का अपडेट ये है कि कल की काउंटिंग के लिए तमाम तैयारियां यहाँ पर चुनाव आयोग की तरफ से पूरी है, लेकिन जो बाकी राजनीतिक पार्टियां, खासकर आम आदमी पार्टी जो है, वो यहाँ पर खास 24 घंटे की निगरानी मतगणना केंद्रों पर रख रही है। कैमरामैन राजेश के साथ कुलदीप शर्मा, टोटल न्यूज़, दिल्ली।